तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं वृंदावन के प्रिय कांत जू टेम्पल में। तो दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यह प्रिय कांत जू मंदिर कैसा है और यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण प्रिय कांत जू के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे प्रिया मतलब राधा जी को कहा है प्रिया जी, और कांत जू भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाए गए हैं, इसीलिए इस मंदिर को प्रिय कांत जू मंदिर कहते हैं। दोस्तों इसे मैं बता दूं विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं देवकी नंदन जी महाराज, जिन्हें आप जानते ही होंगे, टीवी पर देखा होगा, अखबार वगैरह में उनकी कथाएँ टीवी पर सुनी होंगी। तो दोस्तों ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, इसमें जगह जगह ये तालाब कुंड बने हुए हैं, जिसमें आप अभी कोई टाइम नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, आप किसी त्यौहार वगैरह पर आएंगे तो इसमें ये पानी भरा होता है और इसमें ऊपर को फुब्बारे चल रहे होते हैं, फुब्बारे भी कलरफुल होते हैं, उसमें लाइटें लगी होती हैं, इसीलिए फुब्बारे भी कलर बनते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और ये कमल के रूप में, इधर आप नीचे जाएंगे तो इधर गुफा है दोस्तों नीचे, तो इस गुफा में दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी जो है झांकियां दिखाई गई हैं, आप ज़रूर आएँ यहाँ पे झांकियों को देखें दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत झांकियां हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी वो बंद है, हम आए हुए हैं इस टाइम पे इसलिए झांकियों वाला गुफा, तो आपको मैं बाहर से इस मंदिर को दिखा देता हूँ चारों तरफ से, ये काफ़ी खूबसूरत बड़ा परिसर है। दोस्तों मैं बता दूँ यह मंदिर जो है देवकी नंदन जी महाराज द्वारा बनवाया गया है और ये ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है, ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों यह मंदिर प्रेम मंदिर वाले रोड पर ही स्थित है और ये मंदिर जो है दोस्तों बता दूं अक्षय पात्र मंदिर के बाद पड़ता है और जो है वैष्णो देवी मंदिर है उसके से पहले पड़ता है, यानी अक्षय मंदिर और देव वैष्णो देवी मंदिर के बीच में पड़ता है। अगर दोस्तों आप वैष्णो देवी मंदिर नहीं गए हों तो वहाँ भी जाएँ, वहाँ बहुत ही बड़ा वैष्णो देवी मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पे बहुत ही बड़ी माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा है जो एक पहाड़ी नुमा बनाया गया है, पहाड़ी उसके ऊपर बनाई गई है और उसके अंदर बहुत ही गुफा है जिसमें हर वक्त पानी चलता रहता है, 1 इंची पानी, जब आप में जाएंगे तो आप पानी में घुस के जाएंगे और दर्शन करेंगे पानी में ही टहलते हुए, लेकिन आप भीगेंगे नहीं क्योंकि आपके पैर ही पैर वहाँ में डूबेंगे, पानी चलता रहता है, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों वह मंदिर, तो वहाँ भी जाएँ और यह इस मंदिर भी ज़रूर जाएँ, ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये मंदिर की दीवारों पर उभरी हुई तस्वीरें हैं, उभरी हुई बनाई गई हैं बाहर की तरफ को, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा हो सिर्फ पेंटिंग से बनी हुई, ये पेंटिंग की नहीं है, ये उभरी हुई हैं, उनके ऊपर पेंटिंग की गई है दोस्तों, तो ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, आप यहाँ ज़रूर आएँ और आपको मंदिर के अंदर भी लेके चलेंगे और दर्शन भी कराएंगे कि कैसा है यह मंदिर। आपको मंदिर के दर्शन के साथ साथ भगवान श्री प्रियकांत जू के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मंदिर के अंदर चलते हैं और सामने देख रहे होंगे प्रिया जी और कांत जू दोनों जी बैठे हुए हैं, तो आप वहां दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये ऊपर दिखने में ऐसा है और सामने मंदिर है, ठीक मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों मैं बता दूं आप अगर इसमें शाम के टाइम में दोस्तों आएंगे तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे जो है रात के समय में यह मंदिर प्रेम मंदिर की तरह लाइटें जलती हैं और यह मंदिर पूरा जो है कलरफुल हो जाता है और रंग बदलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यह मंदिर पूरा जो है रंग बदलता है रात के समय में इस तरीके का। तो दोस्तों आप इस मंदिर में घूमेंगे तो आपको रात के समय में बहुत ही अच्छा लगेगा, ये काफ़ी लाइटिंग लगी होती है और काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।